सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्ब कला बन आई, प्रगट पई सगले जुगे अंतर, गुरु नानक की वडियाई। मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर घर बास ना परिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर घर बास न परिया रे। बादशाह दरवेश जुगहो जुग अटल, चवर शतर तख्त दे मालक, धन गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मुकद्दस गोद अंदर, सत्कारयोग रब्बी प्यार वाली पवित्र रूह महंत नारायण सिंह महाराज जी दी बरसी नू समर्पित उलीके गए इन्ना विशेष दीवाना विच, अदब सत्कार विच जुड़ के साहिबां दी पवित्र बाणी दी मनोहर कीर्तन दी ओ झड़ी अंदर मन बिरतियां एकागर करके जुड़ बैठे सी। गुरु कृपा सदका समा है कथा विचार दा, लवो सतगुरु जी दे चरणां दा ओट आसरा, किसे पवित्र रूह दी याद विच जुड़ के जे गुरु याद आ जाए ते इस तों वड्डी बरसी दुनिया च फिर कोई हो नहीं सकती। आओ गुरु नूं चेते करदे आं, सतगुरु जी दे चरणां विच लवावो हाजरी, फतेह नाल पावो सांझ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन साहिब महाराज अपनी पवित्र बाणी अंदर रब्बी बचन झोली पा के कहिंदे ने, सिखा चुरस्ते विच ढोल पिया होवे, ढोल दे आले दुआले हजारां इंसान खड़ोते होण। ये मैं इसलिए बेनती करन लगा कि गल आरंभता विच पकड़ विच आ जाए कि रब्बी प्यार विच भिज्जी हुई रूह अपने नाल किन्नियां नूं जाण तों बाद वी तारदी है। सतगुरु कहिंदे ने चुरस्ते विच ढोल पिया होवे, हजारां इंसान उस ढोल नूं वेखदे होण, पर सतगुरु कहिंदे सिखा कि किसे ढोल नूं वेख के नचिया जा सकदा? ढोल वजदा नहीं है, सिर्फ चुरस्ते विच ढोल नूं रखिया होया। गुरु अर्जन साहिब कहिंदे भाई ये गल पक्की है, ढोल नूं वेख के नहीं नचिया जा सकदा। हाँ ढोल वजन लग पए, जिन्हों ना नचना आउंदा होवे ओह भी नचण दी कोशिश करदा है। दूजी उदाहरण दित्ती, कहण लगे गला परमात्मा ने सारियां नूं दित्ता है, पर जे गले अंदर मिठास ना होवे, कि गले दी मिठास तो बिना कोई सुरीला गा सकदा है? गुरु अर्जन साहिब कहिंदे नहीं गा सकदा। फिर तीजी उदाहरण दित्ती, सतगुरु कहिंदे रबाब कमाल दी लक्कड़ दी बनी होवे,
रबाब दे उत्ते कढ़ाई भी कमाल दी कीती होवे पर रबाब दे उत्ते रबाब वाली तार ना होवे, जिन्नू बाणी ने जील आख्या है। जील माने रबाब दी तार। सतगुरु कहिंदे रबाब दे उत्ते रबाब दी तार ना होवे पर रबाब बहुत सोहनी होवे कि सोहनी रबाब नू वेख के तार तो सखनी रबाब नू कोई वजा सकदा है। गुरु अर्जन साहब कहिंदे भाई नहीं, तीन उदाहरणा दे के सतगुरु उत्तर बड़े कमाल दा दिंदे। कहिंदे ने सिखा, जिवें ढोल नू वेख के नचिया नहीं जा सकता, जिवें गले दी मिठास तो बिना सुरीला गाया नहीं जा सकता, जिवें तार तो विहूणी रबाब नू वजाया नहीं जा सकता, इदां ही रब दी भगती तो बिना रब दे घर जाया नहीं जा सकता। ये बाणी दे बचन ने। सतगुरु कहिंदे बिन बाजे कैसो नृतकारी, ढोल वजे ना बंदा किवें नृत कर लेगा, किवें नचेगा, नहीं नच सकता। बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। कंठ कहिंदे ने गले नू, गले तो बिना भला कोई किवें गा लवेगा। जील बिना कैसे बजे रबाब, जील कहिंदे रबाब दी तार नू, तार तो बिना रबाब ने नहीं वजना। नाम बिना सब बिरथे काज, ते परमात्मा दे नाम तो बिना तू भला रब दे घर किवें पहुंचेगा। वो पवित्र रूह महंत नारायण सिंह जी, जिन्हां दी इस महान बरसी अंदर गुरु दा जस, गुरु दी वड्याई सानू श्रवण करन लई मिल रही है। सतगुरु ऐसे रब्बी प्यार विच भिजियां होईयां रूहां लई बाणी च वचन कहिंदे ने सिखा, अपने दिल विच इस गल नू पक्की करके जानी, जिहड़े सच दे मार्ग ते तुरदे ने, सच जीवन च कमाउंदे ने, उन्हां दे जाण तों बाद जहान संसार उन्हां दी वड्याई गाउंदा है। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, जे सच दे मार्ग ते ना कोई तुरदा होवे, कोई गुरु गोद विच बैठ के भला किसी दी उस्तत हो सकती है? कदाचित भी नहीं। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, सारा जहान खलकत ओदी वड्याई गाउंदा है। कादी बदौलत? एक नाम दी बदौलत, एक कीती हुई सेवा दी बदौलत। सतगुरु नाम विच भिजी रूह ते सेवा विच परपक हुई रूह नू बाणी च बड़ा प्यारा उपदेश दिंदे ने। सतगुरु कहिंदे सिखा, जे तैनू एहसास होवे कि तेरे नाल दे तेरे तो बहुत अग्गे निकल गए और तू पिछे रह गया। सतगुरु कहिंदे बड़ी ईमानदारी नाल किसे रब दे प्यार विच भिजी हुई रूह दी संगत करी, संगत करके ईमानदारी नाल गुरु घर टेक के सेवा करी, ईमानदारी नाल कीती हुई सेवा पिछे रहण वालियां नू अग्गे लैके आउंदी है। फिर दूजी उदाहरण दित्ती, सतगुरु कहिंदे ने तेरी झोली च निराशा पै गई भी मेरा कोई काम अज तक सिरे नहीं चढ़िया, निराश हो गए। सतगुरु कहिंदे निराशता विच डुब्बिया इंसान जे ईमानदारी नाल रब्बी प्यार विच भिजी रूह कोल बैठ के जीवन की सिक्ख्या लैके ईमानदारी नाल गुरु घर सेवा करे, ईमानदारी नाल निभाई सेवा निराशियां दी आस पूरा कर दिंदी है। तीसरी उदाहरण दित्ती, सतगुरु कहिंदे ने जे तेला हथेली ते ना अज तक टिकिया होवे, रज के कंगाल बन गया होवे,
पर तैनू एहसास होवे भी तेरे नाल दे चोटी दे तनाड़ बन गए ते तू कंगाल रह गया। गुरु अर्जन साहब कहिंदे उस हालत विच तू ईमानदारी नाल दिलों रब्बी प्यार वालियां दी शरण विच रह के गुरु चरणा विच टिक के सेवा करी, सेवा निर्धना नू कंगाला नू चोटी दा तनाड़ बना दिंदी है। फिर चौथा बचन सतगुरु ने कीता, कहन लगे जे शरीर दे अंदर कोई भैड़ा रोग दाखिल हो जाए, चंद्री बीमारी शरीर नू चिंबड़ जाए, डॉक्टर हाथ खड़े कर देन, सतगुरु कहिंदे उस वक्त भी तू ईमानदारी नाल सच्चे दिलों रब्बी प्यार वालियां दा आखा मन के गुरु चरणा विच टेक के सेवा करी, कीती हुई ईमानदारी दी सेवा भैड़े तो भैड़े रोग नू भी खंड के बाहर कढ दिंदी है। देखो बाणी दे बचन ने सतगुरु कहिंदे ने पाछं करोत अग्रणी में, जेड़े जिंदगी च पिछे रह गए सेवा उन्हां नू अगे लैके आउंदी। निरासं आस पूर्णे, निरासियां दी आस पूरा करदी है सेवा। निर्धन भयंग तनवंत है, निर्धन कंगाल भयंग तनवंत है, निर्धना नू चोटी दा तनाड़ बना दिंदी है सेवा। ते चौथा बचन कीता रोगियंग रोग खंडने, रोगियां दे शरीर विच्चों रोगां नू भन दिंदी है गुरु की सेवा। फिर सतगुरु कहिंदे ने भगतियं भगत दानं, भगती करन वालियां नू भगती दा दान बख्शदी है गुरु की सेवा। राम नाम गुण कीर्तने, परमात्मा दा नाम चेते करन वालियां नू रब्बी कीर्तन ते रब्बी गुणा दा मुजस्मा बख्शदी है सेवा। ते अखीर च सतगुरु कहिंदे ने पार ब्रह्म पुरख दाता रहै नानक गुर सेवा किंग ना लभ्यते। हे नानक आख पाई कि गुरु की सेवा विच्चों ए दाता नहीं मिलदियां, कि निराशियां दी आस पूरी नहीं हुंदी, कि कंगालां दी कंगाली सेवा चों नहीं कट्टी जांदी, कि रोगियां दे रोग दूर नहीं हुंदे, कि पिछे रहण वाले अगे नहीं आउंदे। शायद एक जिंदगी दा ओ समा होएगा संत नारायण सिंह नू कोई जानदा नहीं होएगा, सच्चे दिलों टेक के गुरु घर विच सेवा निभाई ते गुरु ने उस मुकाम ते पहुंचा दिता भी लै सिखा जिथे सिख मेरी वड्याई गाउणगे तैनू भी वड्याउणगे, तेरी भी उस्तत होएगी। ते जेदी वड्याई गाउंदे आ सानू गुरु अज चेते आ रहे है, उहदी वड्याई नू भी फिर सिर झुक जाएगा। सतगुरु गुरु नानक साहब जी दा रब्बी उपदेश बाणी विच्चों सतगुरु कहिंदे ने सिखा जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन माही, जिन्हां नू भी धरती ते वड्याई मिली है मालका तेरे नाम तो मिली है। उदों मिली है जदों ओ अपने मन विच तेरे नाम विच भिज गए तां वड्याई मिली है। बाबे नानक दे घर दी वड्याई कैसी है, सतगुरु दे घर दी वड्याई विच्चों जिहड़े बचन आप जी दे समक्ष रखण लगा शायद आप जी दी पकड़ तो कोहां दूर रह गए होणगे, इसलिए ध्यान दे के सुनना। तरन तारन साहब की नगरी का एक पिंड है, पिंड का नाम है पठे विंड। इस पठे विंड पिंड की धरती ते भाई राम नारायण रहिंदा है। भाई राम नारायण के घर एक पुत पैदा होया
नाम रखिया गया शिव नारायण। शिव नारायण का विआह समा पा के बीबी बनारसी जी दे नाल होया। आप जी सोचते होवोगे ये परिवार कौन है, असी तो नाम पहली वेरा सुन रहे हैं, इसलिए मैं आरंभता विच बेनती कर दिया कि ये कौन ने। भाई राम नारायण गुरु नानक साहब का पड़दादा है, भाई शिव नारायण गुरु नानक साहब का दादा है, बीबी बनारसी गुरु नानक साहब की दादी है। किथे रह रहे ने? तरन तारन का पिंड है पठे विंड, ये खंडूर साहब तो 13 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पठे विंड की धरती से भाई राम नारायण के पुत्र भाई शिव नारायण के घर बीबी बनारसी की कुखों दो पुत्रां का जन्म होया। वड्डे का ना कालू मेहता रखिया गया, छोटे का ना भाई लालू रखिया गया। पिता पुरखी खेती का काम है। अज भाई शिव नारायण ते बीबी बनारसी ने घर विच बैठ के फैसला किया है, कदों तक जा के खेतां च घा खोतदे रहांगे, अपने पुत्रां नूं पढ़ा लिखा के किसे चंगे काम च पा दईए। पुत्रां नूं पढ़न वास्ते सुल्तानपुर लोधी की धरती ते भेज दिता गया। सुल्तानपुर लोधी उस वक्त सब तो वध विद्या पढ़ाउण दा इत्थे अदारा सी। राजियां दे पुत्तर भी सुल्तानपुर लोधी की धरती ते पढ़दे रहे। एक बचन आप जी नूं सारियां नूं बड़ी चंगी तरह चेते है कि जिहड़ा सवाल औरंगजेब ने गुरु हरकृष्ण साहब जी दे वड्डे भरा बाबा राम राय नूं कीता सी, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार, हुण उह ते मुसलमान है, बादशाह दा पुत्तर है, आप भी बादशाह है, उहनूं बाणी दीआं पंगतियां कित्थों चेते हो गईआं। इतिहास लिखदा है अपने बचपन की पढ़ाई दे कुछ साल औरंगजेब ने सुल्तानपुर लोधी की धरती ते कट्टे ने, ते सुल्तानपुर लोधी की धरती ते बाबे नानक दी विचार दा डंका घर घर वजदा सी। उत्थों बचपने विच औरंगजेब ने यह पंगतियां सुनिया सन जो सवाल दे रूप विच सामने रखिया गई। अज सुल्तानपुर लोधी की धरती ते भाई कालू मेहता ते भाई लालू नूं पढ़ने बिठाल दिता। समा पा के दोनों भरा पढ़ते ने, पढ़दियां पढ़दियां खेड इत्थे बन गई कि भाई राम नारायण नूं अज इन्हां बच्चियां नूं पढ़ाउण वाला उस्ताद टक्कर गया। कहिंदा राम नारायण तेरा पोता वड्डा कालू मेहता पढ़ाई विच बहुत निपुण बन जाएगा, तुसीं वड्डे बच्चे नूं पढ़ा लो। घर विच फैसला होया, छोटा भाई लालू पढ़ाई विच इन्ना सार्थक सिद्ध नहीं हो रहा, इसलिए छोटे नूं खेती जे काम विच लाया गया, कालू मेहता नूं अगे पढ़ाया गया। समा पा के 1460 विच कालू मेहता की पढ़ाई पूरी हो गई, पढ़ लिख के विद्वान बन के पुत्र घर आ गया। हुण समें ने करवट बदली, फैसला होया कालू मेहता दे नाल अज उहदा उस्ताद भी बच्चे नूं घर छड्डण आया है। ते उस्ताद बोल के कहिंदा वे राम नारायण वे शिव नारायण तुहाडा पुत्तर पढ़ लिख के चोटी दा विद्वान ते बन गया है, पर गल इत्थे है जे इहदी विद्वता किते परखी जाएगी तां ही इह किसे चंगी नौकरी दा मालक बनेगा। इत्थे आले दुआले कोई ऐसी थां नहीं जिथे तुहाडे पुत्तर नूं नौकरी मिल जाए। हुण अपने पुत्तर दी लाइफ वास्ते फैसला तुसीं आप कर लो।
घर विच बैठ के गुरु नानक साहब के पड़दादा भाई राम नारायण ने, गुरु नानक साहब के दादा भाई शिव नारायण, ते गुरु नानक साहब की दादी माता बनारसी जी ने घर विच बैठ के कालू मेहता दे लई फैसला किया कि आपां तरन तारण दे इस पट्ठे विंड पिंड की घर की थां ते खेती की जमीन वेच के लाहौर दे लागे चले जाइए। लाहौर देश की राजधानी है, उत्थे साडे बच्चे की विधवता परखी जाएगी ते साडा पुत्र किसे चंगी नौकरी ते लग जाएगा। इसलिए सन 1460 विच घर की जमीन वेच के घर वाली थां वेच के भाई राम नारायण ते भाई शिव नारायण दोवें प्यो पुत्र अपने बच्चे नू नाल लेके पत्नी नू नाल लेके राय भोएं की तलवंडी ते पहुँचते हैं। राय भोएं की तलवंडी विच जमीन खरीद ली। जमीन खरीदन तो बाद जिदा ही घर बनाउण लगे उस वक्त तलवंडी का चौधरी राय बुलार इन्हां नू घर बनाउण तो इनकार कर दिंदा है, तुसी मेरी परमिशन तो बिना पिंड विच घर नहीं बना सकते। पुछया क्यों? कहण लगे जदों तक मैनू तुहाडे पिछले पिंड दे छड के आउण दा कारण पता नहीं लगेगा, तुसी पिछे किसे नाल धोखा करके आए हो, किसे नू मार मुका के आए हो, तुहाडा पिछोकड़ जदों तक वाच ना लवां घर नहीं बनाउण देंगा। भाई राम नारायण ते शिव नारायण कहिंदे ठीक है, साडा पिछला पिंड ए है, पट्ठे विंड पिंड जा के साडे बारे पता कर लो। हुण की होया? राय बुलार पुछदा वे राम नारायण पहला तुसी दसो पिछला पिंड छड के क्यों आए हो, जे तुहाडी गल ते तुहाडे पिंड दियां दी आखी गल बराबर निकली तां घर बनाउण देंगा। हुण होया की? उसे वक्त भाई राम नारायण बोल के कहिंदा वे राय बुलार पिछला पिंड असी इस करके छड्डिया है कि साडा पुत्र पढ़ लिख के चोटी का विद्वान बन गया, पुत्र नू चंगी नौकरी मिल जाए, इसलिए पट्ठे विंड पिंड छड के तेरे पिंड विच जमीन खरीदी है कि ते लाहौर देश की राजधानी विच साडे पुत्र की विधवता परखी जाए, ये चंगी नौकरी का मालक बन जाए। राय बुलार कहिंदा ठीक, मैं दो नौकर भेजांगा, पिछले पिंड चों इनकुआरी आएगी तां तुहानू घर बनाउण देंगा, तुसी जाओ। गुरु नानक साहब का पड़दादा राम नारायण ते दादा शिव नारायण चले गए, तंबू ला के घर रुक रहे है परिवार, घर बनिया नहीं। हुण दो नौकर पट्ठे विंड पिंड विच राय बुलार ने भेज दिते। उन्हां नौकरां ने पिंड दे लोकां तो पुछया, पिंड दे चौधरी तो पुछया, सारिया ने गल इको आखी, उन्हां दा पुत्तर चोटी दा विद्वान बनिया है, अपने पुत्र की नौकरी खातर गए। पिछले पिंड चों परख करन वाले अहलकार नौकर राय बुलार कोल आए, राय बुलार नूं गल दस दित्ती। उस वक्त राय बुलार ने भाई राम नारायण ते शिव नारायण नूं बुला लिया, बुला के अपने कोल बिठाया ते आखिया तुहाडी इनकुआरी बिल्कुल ठीक आई है, तुसी मेरे पिंड विच घर बना सकते हो, तुहानू मैं इजाजत दिना। पर राय बुलार कहिंदा एक काम ते करो, तुसी दोनों प्यो पुत्र अपने बच्चे कालू मेहता की विधवता का इन्ना जिक्र कर रहे हो, तो एक वेरी मैनू अपना पुत्र लिया के मिलाओ तो सही, मैं देखा तो सही वो किड्डा कु विद्वान है। हुण चावां नाल घर दौड़ के गया भाई शिव नारायण, अपने पुत्र कालू मेहता नू नाल लैके
राय बुलार पिंड दे चौधरी कोल आया। पता संगत जी की वापरिया, जिद्दां ही राय बुलार ने कालू मेहता नूं वेखिया दौड़ के अगे जा के घुट के छाती नाल ला लिया। उहदा कारण पता की सी, राय बुलार ते कालू मेहता दोनों जने सुल्तानपुर लोधी की धरती ते इकट्ठे पढ़ते रहे। राय बुलार नू कालू मेहता किड्डा विद्वान है इस गल की उन्हों परख अपनी क्लास विचों ही सी कि ये मेरा क्लासमेट है, ये चोटी का विद्वान रहा है अपनी क्लास विच। उस वक्त छाती नाल ला के राय बुलार कालू मेहता दे पिता शिव नारायण नू बोल के कहिंदा, वे शिव नारायण, मैं तेरे पुत्र नू अपने जिगरी साथी नू अपने इलाके दी जमीन दी मुलाजमत इकट्ठी करन वास्ते इनू पटवारी दी नौकरी दिना, कि तुहानू मंजूर है? संगत जी, पुराने समय अंदर जिहड़ी पटवारी दी नौकरी हुंदी सी ना, वो अज एक राज्य दे मुख्यमंत्री दी पोस्ट दे बराबर सी। बहुत माण हुंदा सी पटवारी दा। पटवारी दी नौकरी लई माता पिता ने हां कर दित्ती। कालू मेहता सन 1461 नूं एक साल राय भोईं दी तलवंडी ते पटवारी दी नौकरी करदे ने। एक साल गुजरिया, इकट्ठी कीती मुलाजमत राय बुलार दे कोल कालू मेहता ने जमा कराई। कालू मेहता दे कीते काम तो राय बुलार खुश होया कि इन्नी मुलाजमत ते 5 सालां विच भी इकट्ठी नहीं होई जिन्नी तू एक साल विच इकट्ठी कर लिया है। सारे इलाके दी जमीन दी जमाबंदी ते मुलाजमत बड़ी तरीके नाल कागजां दी हिक ते लिख दित्ती है। सच विच मैनू तेरे वर्गा ही पटवारी चाहीदा सी। लै कालू मेहता, तेरा दोस्त राय बुलार तेरे ते खुश होया, मैं तैनू पटवारी दी नौकरी दे नाल नाल 5 पिंडां दी जागीर भी तेरे नां लाउना, जिहड़ी 5 पिंडां दी सालाना इनकम होवेगी वह भी तेरी होवेगी। हुण पता की होया, जिद्दां ही ये गल सुनी उस वक्त कालू मेहता दे घर विच खुशी दी लहर दौड़ गई। सारा टब्बर खुश, आउंदियां ही पिंड विच पुत्तर नूं पटवारी दी नौकरी मिल गई। दूजा आउंदियां ही नवां घर बन गया। साल भर घर बनता रहा, साल बाद पुत्तर नूं 5 पिंडां दी जागीर भी मिल गई है। अज भाई राम नारायण गुरु नानक साहब का पड़दादा अपने पुत्र शिव नारायण नूं बोल के कहिंदा, वे शिव नारायण, मेरा पोतरा जवान हो गया, मैं नदी दे किनारे दा रुखड़ा हाँ, मेरा की पता जहानों कदों चला जावा। किड्डा चंगा होवे जे तू पुत्र दा साख तोड़ लवे ते पुत्र दा विआह हो जाए ते अपने पोतरे दा जींदियां जी विआह देख जावा। हुण की वापरिया, इस कंडीशन विच भाई शिव नारायण अपने पुत्र कालू मेहता लई साख तोलदा है। पटवारी है, पटवारी लई रिश्ता लभण वास्ते जदोजहद कीती गई। पता लगा कि लाहौर दी धरती ते पिंड है चाहल, उस पिंड चाहल दी धरती ते भाई रामा रहिंदा है। रामा दी पत्नी बीबी भराई है,
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਲੱਖੋ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਨਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਭਰਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਲੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚਾਹਲ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੂ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣੀ। 1462 ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਬੀਬੀ ਬਨਾਰਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੀਤੀਏ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੌਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੌਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੌਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲੂ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਬਨਾਰਸੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਧੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਨੌਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। 1462 ਵਿੱਚ ਕਾਲੂ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਹਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਮਹਿਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਜਿਸ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਹਲ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਟਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਨਾ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਪਟਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਜਾ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਪਟਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਪਟਵਾਰੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਦਿਵੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ,
ये रब्बी प्यार वाला रिश्ता है। ते रब्बी प्यार वाले दी रिश्ते दे याद विच जुड़ के जे सानू गुरु नानक चेते आ जाए, गुरु नानक दी गल ते विचार चेते आ जाए, इस तो वड्डी याद भला होर केड़ी हो सकती। बचन अगे तोरा, गुरु नानक साहब दे पिता दी नौकरी ते सिर्फ पटवारी दी सी, पर जेड़ी गुरु नानक साहब ने नौकरी कीती है ना, वो पटवारी तो उपर दी नौकरी है। सानू प्रतीत हुंदा है कि गुरु नानक साहब जी ने सुल्तानपुर लोधी दी धरती ते पौने कु चार साल 1504 तो लैके 1507 तक 3 साल तो समा वध बनता है। गुरु नानक साहब जी ने मोदी खाने की कार की, सानू प्रतीत हुंदा है भी मोदी खाने की कार सी, पर यह काम की सी? अज का जेड़ा डिफेंस मिनिस्ट्री का अहुदा है, उस वक्त गुरु नानक साहब जी का यह सुल्तानपुर लोधी की धरती से मोदी खाने की कार का काम सी। गुरु नानक साहब महाराज उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर बनते ने, तो यह पटवारी की नौकरी तो कितने उच्चा दर्जा सी। गुरु नानक साहब जी ने 27 अगस्त 1507 नूं मोदी खाने की कार तो सौखा लफ्ज वरत लईए डिफेंस मिनिस्टरी दे अहुदे तो अस्तीफा दे दिता। अज तक का सारा हिसाब किताब नवाब दौलत खां लोधी नाल कर दिता, तो गुरु नानक साहब महाराज हिसाब करके भाई मरदाने नूं कहिंदे मरदानिया भैन नानकी कोल चलिया जा, कुछ पैसे मंग के लिया ताकि आपां एक रबाब खरीद लईए। मैं सोचदा कि रब की वडियाई लई जिहड़ी रबाब वजेगी उस रबाब की भेटा मैं भैन नानकी कोलों लै लवां। जा मरदानिया भैन नानकी तो कुछ पैसे मंग के लिया। याद रखना जदों डिफेंस मिनिस्टरी दे अहुदे तो अस्तीफा दिता है, सतगुरु दे कोल चंद पैसे मौजूद ने, उसके बावजूद भी प्रचार वास्ते हिस्सा भैन नानकी का पवाया। भाई मरदाना गया चावां नाल खुश होके, भैन नानकी ने पैसे दिते ते खुशी इस गल की प्रगटाई कि शुक्र है दाते दा, अज पहली वेरा मेरे वीर ने मेरे तो पैसे मंगे। भाई मरदाना पैसे लेके आया, पूछिया बाबा की करा? कहन लगे मरदानिया सुल्तानपुर लोधी तो कुछ दूरी ते पिंड दा ना है पैरोवाल, उस पिंड विच एक रबाब बनाउण दा काम करदा है भाई फिरंदा, जाओ दे घर तो रबाब खरीद के लिया। मरदाना मल्लो मल्ली रस्ता तय करदा होया भैरोवाल पिंड पहुंचया, भाई फिरंदे दे घर दा पता करके घर दे अंदर दाखल हो गया। भाई फिरंदा पुछदा कौन है? कहिंदा गुरु नानक साहब दा सेवक, की लैण आया है? रबाब खरीदण आया। फिरंदे ने सुनिया भी बाबे नानक दा सेवक, घर विच रज के अदब सत्कार मान दिता, प्रशादा छकाया, ते अदब सत्कार देन तो बाद भाई फिरंदा बोल के कहिंदा वे मरदानिया आदेख तू रबाब खरीदन आया पर मैनू एक गल दस, रबाब दी भेटा लेके आया? मरदाना चंद मिनट खामोश होके कहिंदा हां भेटा लेके आया। मरदाना सोचता है भी एक पासे तां बाबे नानक का नां सुन के मैनू इन्ना माण दिता है,
सत्कार दिता है ते दूजे पासे उस वक्त बोल के कहिंदा रबाब दी भेटा लेके आया। किस तरीके दी विचार दा इंसान है। हुण मर्दाना उस वक्त बोल के कहिंदा है हां भेटा लेके आया ते अग्यों भाई फिरंदा बोल के कहिंदा मर्दानिया तैनू रबाब बारे कुछ जानकारी भी है। मर्दाना कहिंदा हां मैं खानदानी रबाबी हाँ, मैनू रबाब की बड़ी चंगी तरह परख आउंदी है। ते अग्यों भाई फिरंदा बोल के कहिंदा मर्दानिया ये बहुत वधिया होया, तू खानदान रबाबी है रबाबा वजाउना है, मैं भी खानदानी रबाबी हाँ, मैं खानदान तो रबाबा बनाउंदा आ रहा, मेरा खानदान रबाबी बनाउंदा रहा, मेरे दादे पड़दादियां ने रबाबा बनाईया, मैं भी रबाब बनाउंना, तू रबाबा वजाउण दा खानदानी है, मैं रबाबा बनाउण दा खानदानी। इन्नी गल कह के फिरंदा अंदर चला गया, कीमती रबाब ले आया, कपड़ा खोल के उपरों रबाब पकड़ाई। मर्दाने ने रबाब देखी ते रूह खुश होई, बोल के कहिंदा भाई मर्दाना फिरंदिया रबाब बहुत कमाल दी, साल दी लकड़ ते एडी कमाल दी कास्तगीरी कीती, रबाब ते जील कस मैं चेक ते कर लवां। जील कहिंदे ने रबाब दे उपर कसी होई तार, फिरंदे ने जील कस दिती, मर्दाने ने रबाब दी तार टणका के वेख लई, कहन लगे रबाब वाकई बड़े कमाल दी। फिरंदा पुछदा पसंद आ गई, कहन लगे हाँ आ गई, चुकी रबाब। लांबे रख के मर्दाना कहिंदा दस की भेटा दियां, किन्ने रजत पण दियां, भाव किन्ने पैसे दियां। फिरंदा कहिंदा मैं पैसे नहीं लैण, कहिंदा दस फिर सोने दियां मोहरां किन्नियां दवां। फिरंदा कहिंदा मैं सोने दियां मोहरां नहीं लैणियां, कहण लगा चांदी लैणी है, कहिंदा नहीं। मर्दाना कहिंदा गल शुरू विच कीती तू भी भेटा लए बिना रबाब नहीं देनी, पैसे दिना वह नहीं लैंदा, सोने दियां मोहरां दिना वह नहीं लैंदा, चांदी दे रहे वह नहीं लैंदा, फिर भेटा की लैनी है। कहण लगे मर्दानिया भेटा लए बिगर रबाब देनी नहीं, भेटा लैके ही रबाब देंगा, पर सोना चांदी ते पैसे नहीं लैने। मर्दाना कहिंदा फिर भेटा केड़ी लैनी। फिरंदा मर्दाने दे अगे हाथ जोड़ के कहिंदा मर्दानिया मैं भेटा लैनी है वादे दी, मैनू वादा कर। वादा किस गल दा कर, तू है रबाबी, तेरा की पता इस रबाब नू चुक के तू किसे दो कौडी दे राजे दी वड्याई दी खातर वजाउण लग पवे, तेरा की पता। मेरे नाल वादा कर, ए रबाब दी भेटा तू मैनू अज दे के, वादे दी भेटा दे के जा कि ये रबाब वजे तां सिर्फ ते सिर्फ बाबे नानक दी वड्याई लई वजे, दो कौडी दे राजे दी वड्याई दी खातर रबाब ना वजाई, मेरे नाल वादा कर। ते बेनती करा भावें अज आपां महंत नारायण सिंह जी दी याद विच जुड़े हाँ, पर उन्हां दी जुबान ने जदों तक जीवन च वड्याई कीती ते बाबे नानक दी कीती, दो कौडी दे लोकां दी वड्याई नहीं कीती। ते जेड़े आप बाबे नानक दी वड्याई करदे ने, बाबा नानक उन्हां दी वड्याई जगत विच आप करा दिंदा है। सच्चे मार्ग चलदे हां उस्तत करे जहान। हुण घुट के भाई फिरंदे नूं मर्दाने ने छाती नल ला लिया, रबाब दी पेटा दी वादा कपती हो गई। 28 अगस्त 1507 नूं मर्दाना रबाब लैके सुल्तानपुर लोधी दी धरती ते आउंदा है। 29 अगस्त 1507 नूं गुरु नानक साहब अपने सहुरा परिवार बीबी चंदो सस सहुरा भाई मूल चंद नूं बुलाउंदे ने, भैण नानकी ते अपने जीजा भाइया जयराम नूं बुलाउंदे ने, फैसला करदे ने साडे बच्चे सुल्तानपुर पढ़ रहे ने,
ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਤਨੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। 30 ਅਗਸਤ 1507 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। 30 ਅਗਸਤ 1507 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌੜੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਧ ਬੜਾ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਵਰਸਾਉਣਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਤੈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵੇਰਾਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਾਣ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਸਾਉਣੇ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਫਤਿਹ ਪਰਵਾਨੋ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।